दोस्तों नमस्कार। शिवपाल सिंह यादव ने ठोक दिया दावा, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, तमाम पार्टियों ने अपना पाला चुन लिया है। कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता जो है कि यूपी से होकर गुजरता है। इसके मद्देनज़र यूपी में विपक्ष मतलब इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें कम करने की कोशिश हो रही है 2024 में। एक तरफ बीजेपी ने 64 सीटें जीती थी, इस आपको बता दें 2014 में जो कि 73 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 64 सीटें जीती थी। इस बार सपा कोशिश में है कि बीजेपी गठबंधन को कम से कम पर रोका जाए। इसी बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने दावा ठोक दिया कि सपा मतलब इंडिया गठबंधन 2024 के चुनाव में 40 से 45 लोकसभा सीटें जीत रहा है। आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव यूपी के जौनपुर में एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। यहां शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 40 से 45 सीटें यूपी में जीतेगी। इंडिया गठबंधन मतलब एनडीए से काफ़ी मजबूत और सशक्त है। ये गठबंधन एनडीए को सत्ता से बाहर कर देगा। देश भर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से जर्जर है। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यह भी कहा कि महंगाई से आम लोगों की कमर तोड़ दी है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, बिजली, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा जैसी मूलभूत समस्याओं से उत्तर प्रदेश की जनता जूझ रही है। सपा सरकार में लागू की गई योजनाओं को अपना बताकर बीजेपी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। सपा छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाली सुषमा पटेल के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी से ज़्यादा सम्मान किसी पार्टी में किसी को नहीं मिलता है। पार्टी हर वर्ग हर समाज की है। वही बीएसपी पार्टी से गठबंधन के सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन का रिजल्ट देखना तो सब समझ में आ जाएगा। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर के बयान पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा, बहुत हल्के आदमी हैं ओम प्रकाश राजभर, इनकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। यह कब कहां क्या किसको बोल दें इनका कोई अंदाजा नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए क्या बोलते हैं इन्हें पता नहीं होता। एक दिन प्रधानमंत्री को बोलते थे कि कभी कुछ योगी जी को बोलते हैं, इनकी बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में शिवपाल सिंह यादव ने सीधा दावा ठोंक दिया कि 40 से 45 इंडिया मतलब इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, एएसपी, आजाद समाज पार्टी, आरएलडी, जैन चौधरी की पार्टी और अपना दल कमेरावादी कृष्णा पटेल पल्लवी पटेल की पार्टी गठबंधन में है। बहन कुमारी मायावती जी से गठबंधन को लेकर शिवपाल सिंह यादव ने बयान दे दिया कि इंतजार करना होगा। आने वाले समय में कयास लगाए जा रहे हैं कि जैसे ही आचार संहिता लगेगी उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी और अखिलेश यादव का गठबंधन हो सकता है। इस तरह की संभावनाएं जो कि मानी जा रही है, राजनीतिक विशेषज्ञों की राय माने तो इस तरह की संभावनाएं जो कि दिखाई देती हुई नजर आ रही। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर शिवपाल सिंह यादव जमीन पर हर जिले में हर संगठन को मजबूत करने पर लगे हैं। सुषमा पटेल और तमाम शालिनी यादव जैसे नेता जो बीजेपी में गई हैं, उनको सपा से ज्यादा सम्मान बीजेपी में नहीं मिलेगा। यह बयान बहुत बड़ा आया शिवपाल सिंह यादव का। और लगातार इस जो कि शिवपाल सिंह यादव प्रयास कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जौनपुर गए थे, वहां पर एक रात गुजारी और वहां पर जो संगठन के कार्यकर्ताओं थे उनसे मीटिंग की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।